नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर खेल जगत से सामने आई है और वो ये कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है। जी हां, T20 वर्ल्ड कप में वो खेलेंगे, बतौर कैप्टन खेलेंगे, लेकिन उसके बाद से ही वो बतौर बल्लेबाज टीम इंडिया से जुड़े रहेंगे, टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, लेकिन T20 फॉर्मेट से वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। ये फैसला उन्होंने किया है और इसका ऐलान भी उन्होंने ऑफिशियल तौर पर कर दिया है। इसके अलावा बाकायदा ट्विटर पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने जो भी उनकी फीलिंग्स हैं उसको उन्होंने साझा किया है। इसके अलावा बताया है कि रवि शास्त्री से उन्होंने बात की है, सौरभ गांगुली से उन्होंने बात की है, खुद को वो स्पेस देना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। वैसे आपको बता दें, विराट कोहली का प्रदर्शन अगर आप पिछले लगभग 1.5-2 साल से देखेंगे तो उनके किसी भी खेल में, किसी भी पारी में 100 रन नहीं निकल रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई शतकीय पारी नहीं आ रही है। और विराट की परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनकी किरकिरी हो रही है, शायद ये एक वजह हो सकती है। लेकिन उन्होंने जो वजह दी है उसमें उन्होंने कहा है कि वो खुद को स्पेस देना चाहते हैं। अब विराट कोहली अगर T20 की कैप्टेंसी छोड़ेंगे तो उनके बाद अगला कप्तान कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं और ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जा सकता है विराट कोहली के बाद। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विराट कोहली ने जो पोस्ट साझा किया है, ये मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू नॉट ओनली रिप्रेजेंट इंडिया बट ऑल्सो लीड द इंडियन क्रिकेट टीम टू माई अटमोस्ट कैपेबिलिटी। I thank everyone who has supported me in my journey as the captain of the Indian cricket team. I couldn't have done it without them. The boys, the support staff, the selection committee, my coaches and each and every Indian who prayed for us to win. Understanding workload is a very important thing and considering my immense workload over the last 8-9 years playing all three formats and captaining regularly for last 5-6 years, I feel I need to give myself space to be fully ready to lead the Indian team in test and ODI cricket. यानी कि वो अपने आप को स्पेस देना चाहते हैं, कुछ वक्त देना चाहते हैं, ताकि बाकी के दो फॉर्मेट्स में वो शानदार प्रदर्शन कर सके। इसी लाइन से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस शतकीय पारी का इंतजार हो रहा है उन पर अब एक तरीके से, किसी ना किसी तरीके से दबाव है फैंस का। खैर, आगे उन्होंने क्या लिखा है वो भी सुनिए। I have given everything to the team during my time as T20 captain and I will continue to do so for the T20 team as a batsman moving forward. Of course, arriving at this decision took a lot of time after a lot of contemplation and discussion with my close people, Ravi Bhai and also Rohit, who have been an essential part of the leadership group. I have decided to step down as the T20 captain after this T20 World Cup in Dubai in October. I have also spoken to the secretary Mr. Jay Shah and the president of BCCI Mr. Saurabh Ganguly along with all the selectors about the same. I will continue to serve Indian cricket and the Indian team to the best of my ability. यानी कि स्पेस लेना थोड़ा सा वो चाह रही हैं ताकि बाकी दोनों फॉर्मेट्स में वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।